नमस्कार, मैं एक यादव स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। तो आज बात करेंगे आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज के बारे में। क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में बात करेंगे, कहाँ पर कॉलेज है, क्या कैंपस एरिया है, कौन सी फैकल्टीज़ आपको ज़्यादा स्वागत करने वाली है यहाँ पर, और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें, मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं एक बार बता दूँ, ये आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज जो कि सिचुएटेड है आपका बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपका टोटल जो पटना हाईवे है, पटना हाईवे से आपका जस्ट 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। कैंपस का पूरा एक लुक ओवर मैं आपको दूंगा और कॉलेज का पूरा एक क्राइटेरिया मैं आपको अंदर से बताऊंगा, कौन कौन सी फैकल्टीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और कौन कौन से आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर बात कर लें हम लोग की फैकल्टी की, तो आपको ए क्लास फैकल्टी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको पुराने डॉक्टर्स जो दूसरे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रहे थे उनको यहाँ पे ऑफ़र लेटर देके ऑफ़र देकर यहाँ पे बुलाया गया है, और पुराना एक्सपीरियंस लाने के लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लें उनको अच्छा खासा फैकल्टी से एक्सपीरियंस मिल पाए। तो मैं बता दूँ इनको, इनका सेपरेट बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हॉस्टल है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं तो नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर आप मुझे कॉल करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू एडमिशन लेंगे उनके लिए स्पेशल ऑफ़र्स भी दिए जाएंगे, और जो जिनका स्कोर बहुत कम है, करीबन 150 से लेके 250 के बीच में है, उनके लिए एक अच्छा कॉलेज है, उनके लिए मैं एक बजट फ्रेंडली कॉलेज दिलाऊंगा ये आपको। तो अगर आपको बता दूं कि पेशेंट फ़्लो, क्योंकि खासकर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है सर कि पेशेंट फ़्लो कैसा है, तो मैं बता दूं यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जो 1 रुपये का चार्ज करके उनको आपको पेशेंट्स को देखते हैं, उस तरह का माहौल है यहाँ पर। मैं पर्सनली इस कॉलेज में विजिट कर आया हूँ, तो आप अगर एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं तो एक आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके बजट में। तो अगर हम बात कर लें कि कॉलेज आपका कितना पुराना है, तो कॉलेज आपका ये आपका 3rd बैच होगा 2023 में, जो है आपका कॉलेज का ये 3rd बैच होगा जो इनटेक होगा इसमें। टोटल 150 नंबर की यहाँ पर सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इनका कैंपस काफ़ी बड़ा है, मैं पूरा घूम तो नहीं पाया, फिर भी जो जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि दिखा पाऊँ आपको। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं तो ज़रूर नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, मैं क्या तो आपकी पूरी हेल्प करूँगा एडमिशन सीट कॉलेज में दिलाने के लिए। तो ज़रूर आप कॉल करें, हमारा जो टीम है इसी के रिगार्डिंग आपको काम करती है और आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को। और आप सीट बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको डायरेक्टली कॉलेज का अकाउंट डिटेल्स दूंगा, आप उसमें अपना टोकन अमाउंट डाल के सीट लॉक कर सकते हैं। सिर्फ मुझे आपका नीट स्कोर कार्ड और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बाकी आपका सीट लॉक करवाने का जिम्मा हमारा है। तो ज़रूर मुझे व्हाट्सअप करें नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पर, अपने सीट आज ही बुक करवाएं हमारे थ्रू। और मैं आपको बता दूं स्पेशल स्कीम्स स्कॉलरशिप्स चल रही है हमारे थ्रू, उसके लिए अवेल करने के लिए इंडिया अब्रॉड के लिए आप मुझे ज़रूर कॉल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कैंपस टूर दिखाता हूं, आपको पूरी फैकल्टी यहां पे, आपको पूरी चीज़ें आपको एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे। पर्सनली मैं कैंपस में विज़िट किया था और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उन्होंने हमको पर्सनली सारा कॉलेज दिखाया और हमको बताया कि क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ आने वाली हैं और इन फ्यूचर जो यहाँ पे फैकल्टीज़ हैं आपको और ख़ास होते हुए दिखने वाली हैं। और कुछ नई चीज़ें ये लोग लेके आने वाले हैं अपने हॉस्पिटल्स में, अडॉप्ट करने वाले हैं नए मशीन्स और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अडॉप्ट होने वाली हैं। तो अगर आपका बजट 60 से 65 लाख के बीच का है तो ज़रूर इस कॉलेज को ऑप्ट करें। मैं फ़ीस की बात करूँ तो कॉलेज की फ़ीस 10 लाख पर ईयर है और एडिशनल जो मिसलिनियस चार्जेस हैं वो 2 लाख रुपीज़ पर ईयर हैं, और हॉस्टल आपका 3 लाख का यहाँ पर हॉस्टल है और 2 लाख का सिक्योरिटी है जो कि रिफंडेबल है आपको